बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। दिल्ली से बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस बार विधानसभा में उपचुनाव का दिया था आदेश। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। हाई कोर्ट ने स्वार विधानसभा उपचुनाव का दिया था आदेश। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। हाई कोर्ट ने इस बार विधानसभा में उपचुनाव का दिया था आदेश। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा था कि अब स्वार्ट सीट जो है जहां से अब्दुल्ला आजम जो है वो विधायक थे और उसे लेके जो है उपचुनाव का उसकी तैयारी हो रही थी, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, उसे लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यानी जो मामला था कि 25 वर्ष से कम आयु का जो चुनाव आदमी नहीं, इंसान नहीं लड़ सकता, इसे लेके ये हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था और इसे लेके सरकार जो है लगातार उपचुनाव की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है तो इससे उन्हें राहत मिली है और आगे अब ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उनकी जो विधायकी सदस्यता है उसे मान्यता देता है या आगे आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारी करवाता है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। हाईकोर्ट ने इस बार विधानसभा में उपचुनाव का दिया था आदेश दिया था। दिल्ली से खबर बता रहे हैं जहां पर अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको।